नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। चुनावी दौर चल रहा है और बहुत कम समय चुनाव में रह गया है और 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को मतगणना है। आज मेरे साथ पलवल विधानसभा क्षेत्र से एनएलओ और बसपा के प्रत्याशी अभिषेक देसवाल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे अभिषेक जी के साथ कि वो अगर देखा जाए तो रंगकर्मी भी हैं, मैं उनके बारे में बता दूं आपको, और युवाओं में बहुत चर्चित चेहरा है। फरीदाबाद में बहुत से आपने नाट्य महोत्सव देखे होंगे जो अभिषेक देसवाल जी समय समय पर रंगकर्मियों के लिए और कला प्रेमियों के लिए करते रहते हैं, और अब की बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। देखते हैं कि किस तरह का माहौल पलवल क्षेत्र में है और कितना प्यार लोगों का उनको मिल रहा है, क्योंकि बड़े धुरंधर इस मैदान में उस सीट पर उतरे हुए हैं। और अभिषेक जी से ही जानेंगे, अभिषेक जी कैसे एक रंगकर्मी से और फिर एकदम से चुनाव में बिल्कुल विपरीत चीज है या अगर देखा जाए तो रंगकर्मी से और सीधा राजनेता। देखिए, रंगकर्म का मुख्य उद्देश्य है समाज में जागरूकता लाना, समाज को बदलना जी। और एक माहौल को जांचते हुए लोगों को एकत्रित करके एक मुहिम बनाना जी। और राजनीति एक वही प्लेटफॉर्म है जहां से आप बदलाव ला सकते हैं। रंगकर्म जागरूक करता है और राजनीति बदलाव ला सकती है। आपको बदलाव लाना हो तो कहीं ना कहीं आपको पावर में आना पड़ेगा, चाहे वो विचारों की पावर हो, चाहे वो लोगों की पावर हो, चाहे वो पद की पावर हो। तो राजनीति, मैं सिर्फ राजनीति में आया हूँ तो बदलाव के लिए आया हूँ कि बदलाव कर सकूं। इससे पहले आपके पास भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का एक पद भी था, तो भाजपा से एनएलओ बसपा ये सफर के बारे में कुछ बताइए। देखिए, भाजपा में मैंने लगभग 6-7 साल काम किया है, बहुत सक्रियता से कार्यकर्ता के तौर पर मैंने काम किया है। लेकिन जब आपके विचारों को आगे ना बढ़ना दिया जाए तो आपको रास्ता बदल देना चाहिए जी। तो मेरा भी बस रास्ता ही मैंने बदला है कि मेरे जो विचार हैं, जो मैं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था। और बसपा और एनएलडी गठबंधन ने मेरे पे भरोसा जताया और इतनी कम उम्र में टिकट दे दी कि इलेक्शन लड़ने के लिए इतने गर्म माहौल में। इस समय हरियाणा की राजनीति देश में सबसे गर्म राजनीति चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं दोनों पार्टियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भरोसा दिखाया और मेरे को इस मैदान में उतारा जी। जी, क्या लगता है कि बड़ा, वैसे तो चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण ये चुनाव है आपके लिए, क्योंकि आप बिल्कुल युवा हैं और अपने क्षेत्र के लिए बहुत नए हैं, और सामने अगर कैंडिडेट देखा जाए तो बहुत मजबूत है, तो किस तरह इसको लेकर चलते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, मजबूत तो हम भी हैं, सामने वाले कैंडिडेट कितने मजबूत हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों पार्टियां एनडीए और बसपा, वो पार्टियां जो विचारधारा की पार्टी है, जिनके पास अपना फिक्स्ड वोट बैंक है, जिनके पास अपना एक माहौल चेंज करने का तजुर्बा है और जज्बा है। बसपा की बात करें तो हमेशा देश की राजनीति में जब बड़ा बदलाव आया है तो बसपा के वोट बैंक से आया है जी। और एनएलडी की जब हम बात करें, जब आंदोलन हुए हैं, चाहे वो किसानों के हो, चाहे वो जल के हो, चाहे वो हरियाणा के कोई बड़े आंदोलन हुए हो, तो एनएलडी ने एक बड़े चेंज मेकर के तौर पर भूमिका निभाई है। और दोनों पार्टी वो है जिन्होंने 4-4 बारी सीएम पद संभाला है जी। बिल्कुल, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनका हल्का माहौल है, दमदार नहीं है। हमारे पास अपना फिक्स्ड वोट बैंक है और लोगों का हमेशा भरोसा रहता है। चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की पार्टी है, स्वर्गीय काशीराम जी के विचारों की पार्टी है, और दोनों पार्टियां वही हैं जो सड़क पे पैदल चल के बनाई गई हैं। बड़े होटलों में बैठ नहीं होती, इनकी मीटिंग खेतों में बैठ के हुई है, इनकी मीटिंग पंचायत घरों में बैठ के हुई है, चौपालों में बैठ के हुई है, लेबर के बीच में बैठ के हुई है, किसानों के बीच में बैठ के हुई है, 5-स्टार होटल में बैठ के मीटिंग नहीं होती। अभिषेक देसवाल, क्या समझते हैं अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर? आप किन ऐसे अलग मुद्दों को लेकर चल रहे हैं कि अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो और जो रटी रटाई बातें ना बोलकर एक नयापन, एक नया जोश, एक नई युवा की सोच क्या है? देखिए, मैं कोई पेशेवर राजनीति वाला नहीं हूँ जी। मेरे परिवार में भी किसी ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा जी। मदर फादर दोनों गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर है, दादाजी भी गवर्नमेंट सर्विस में है, तो हमारे राजनीति से कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन जब आप देखते हैं कि आम जनता से त्रस्त हो जाती है, तो आम जनता को खुद का रास्ता खुद निकालना चाहिए। मेरा परिवार, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि लगभग 30 साल पहले हमारा परिवार पलवल शिफ्ट हुआ था। जिस गली में हमारा मकान है वहाँ तब भी पानी भरता था, पापा कंधे पे बिठा के स्कूल छोड़ के आते थे, फिर हम आधे पहिया साइकिल में डुबा के कैंची पैदल मार के स्कूल जाया करते थे पानी से निकल के। और आज भी वही माहौल है कि गली में पानी भरता है। 25 साल कांग्रेस के विधायक रहे जिन्होंने मंत्री पद भी संभाले हैं, एक सरकार को गिराया है अभी, तो बड़े प्रभावशाली राजनेता रहे हैं। पलवल के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, भाजपा की सरकार रही,
उन्होंने भी कुछ नहीं की। तो भाई आम जनता को तो आगे आना पड़ेगा और आम जनता अपनी वोट की ताकत को पहचाने तो बदलाव ला सकती है। तो मेरे जो मुख्य उद्देश्य हैं वो मूलभूत सुविधाओं की, मैं नहीं कहता कि मैं बड़ा रोड ले आऊँगा, कोई हवाई अड्डा बनवा दूंगा, ये ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बड़ी हवाई फायर नहीं। जो सेंट्रल और स्टेट की स्कीम्स हैं विधायक बनने के बाद तो ऑटोमेटिकली उनको इम्प्लीमेंट करा देंगे, लेकिन जो विधायक की जिम्मेदारी है अपनी विधानसभा को लेकर, वो उसके क्षेत्र की शिक्षा होनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य होना चाहिए, क्षेत्र में भ्रष्टाचार ना भी होना चाहिए, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो पब्लिक की रोजमर्रा की जिंदगी को इफेक्ट करती है, उन सुविधाओं को सुचार करना एक पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो मेरा भी यही है कि जो कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार के थ्रू मास्टरों की भर्ती हुई, इन एलिजिबल लोगों को लगाया गया जिन्होंने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, भाजपा ने उन्हें हटा दिया, बच्चों ने स्कूल में आना बंद कर दिया, परिणाम स्वरूप स्कूल बंद हो गए। तो विधायक बनने का सबसे पहले तो ये है कि सरकारी शिक्षा तंत्र को सुधारना सबसे पहले काम रहेगा। दूसरा मैं आपको बता दूँ, पलवल का जो सरकारी अस्पताल है, नागरिक अस्पताल है, वो बीके हॉस्पिटल इतना बड़ा है, बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है, मल्टीपल फ्लोर्स बने हुए हैं, लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं, डॉक्टर नहीं है, ओपीडी भी लगी, मशीन्स नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? आज जब प्राइवेट अस्पताल में चले जाएं तो एक दिन का खर्चा 50,000 रुपये तक जाएगा। एक गरीब आदमी जिसकी मंथली आय 20,000-15,000 है, अगर उसके पास मेडिकल बीमा नहीं है, अगर मेडिकल बीमा होगी तो कितने अगर आ जाएगा, 5 लाख 8 लाख, इससे ज़्यादा कितना नहीं पाएगा। अगर ऐसे में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ना हो तो उसको तो कर्ज में आके आत्महत्या करनी पड़ जाएगी, बीमारी से ठीक हो ना वो अलग बात है। तो ऐसे में जरूरी है कि सरकारी स्वास्थ्य तंत्र सुचारू रूप से चले और सबके लिए चले। और तीसरा मेरा जो मुद्दा है वो मुद्दा है भ्रष्टाचार। एक आम आदमी के लिए अगर कोई नेता करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सरकारी अफसर करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी को, आम जनता को फर्क पड़ता है कि भाई अगर आप सरकारी दफ्तर में जा रहे हो, 2-3 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद सरकारी महकमे वाले आपसे बदतमीजी से बोले, उसके ऊपर आपका काम करने के लिए रिश्वत भी मांगे, जन्म प्रमाण पत्र, लाइसेंस, डोमिसाइल, मृत्यु प्रमाण पत्र, RC और अनेकों सरकारी कागजों के लिए बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। ये 100-100, 500-500 रुपये की रिश्वत गरीब आदमी को ऐसे दुखती है कि उनके शरीर का कोई अंग काट गया है। तो सबसे पहले इस पर अंकुश लगाना। और चौथा जो मेरा मुद्दा है वो मुद्दा है गलियों का, सड़कों का, जल भराव का, स्वच्छता, छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं, यही नेता को नेता बनाती है। अगर आप इन्हें इग्नोर करोगे तो जनता आपकी टांग खींच के गिराएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभिषेक, एक सबसे अहम मुद्दा जिसको आप बहुत बखूबी जानते हो, बहुत नजदीकी से आपने इन सब चीजों को देखा है, रंगकर्मी, जो जिस जहाँ जिससे आप आए हैं और जिसके लिए मुझे लगता है कि उस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक किसी भी नेता ने इस तरह बहुत करीबी से ध्यान से नहीं सोचा। कलाकार एक वर्ग है, रंगकर्मी जो वर्ग है, उन लोगों के लिए कोई भी नेता अगर आप देखें हाल फिलहाल में भी, इससे पहले भी, कोई भी इस वर्ग के लिए कुछ भी नहीं करता है। और कलाकार कहीं ना कहीं बेरोजगारी में है, और कोरोना में आपने देखा ही होगा, कोरोना के समय वो घर रहा, अपना पेट भरने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो ये कहीं ना कहीं आपके जहन में ये मुद्दा है। देखिए ये मुद्दा मेरे जहन में है और इस पर काम अवश्य किया जाएगा। मनोहर लाल जी जब CM थे, हमने बार बार पीछे पड़ के उनसे कहा कि कलाकारों के लिए पॉलिसी बनाओ जी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, शायद वो कलाकारों को कुछ समझते नहीं होंगे जी। तो मेरा सबसे पहली चीज बिल्कुल एक्सपीरियंस वाइज भी, उम्र वाइज भी जी। उनके हिसाब से उनके लिए कुछ मानदेय फिक्स किया जाना चाहिए। मैं कई ऐसे कलाकारों को जानता हूँ जिन्होंने 16-17 साल की उम्र में सरकार के लिए बजाना शुरू किया और 80 साल की उम्र तक वो बजा रहे हैं। एक एग्जांपल है हवा सिंह नाथ जी, हमारे पलवल जिले के रहने वाले हैं, उनकी उम्र 80 साल है और मैंने उनकी एक अखबार की कटिंग देखी जो लगभग 1956-57 जी के दशक की है, और उसमें उन्होंने राष्ट्रपति जी के सामने अपनी बीन का वंदन किया था जी। तो कलाकार तब से बजा रहा है और आज देखिए कितने साल हो गए, बिल्कुल मतलब 60 के दशक से बजा रहे हो और 2024 आ गया, वो अपने पिताजी के साथ बजा रहे हैं, वो कटिंग फोटोग्राफ उनके पास है और आज भी उनके लिए सरकारी जो बुढ़ापा पेंशन उसके अलावा कोई मानदेय नहीं है जी, जी। इतनी सरकारी आ ही गई, तो इस वर्ग को छोड़ना बहुत गलत है। मैं जब सदन में बैठूंगा तो जाने के बाद शपथ के बाद जो सबसे पहला जो काम रहेगा, एक एप्लीकेशन CM साहब के नाम यही रहेगी कि इन कलाकारों को बुला के उनके साथ चर्चा कीजिए,
उनकी सुविधाओं के लिए क्या जरूरी है वो कीजिए, और बात रही रंग गर्म की तो कोशिश रहेगी कि अपनी विधानसभा में तो सबसे पहले एक अच्छा ऑडिटोरियम बनवाए। बहुत बढ़िया। और मेरे जो साथी विधायक रहेंगे विधानसभा में, बाकी 89 जो विधायक रहेंगे, प्रदर्शन करने के लिए पैसा देना पड़ता है, जबकि कला को देखने वाले खुद आए अपने पैसा दे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि अच्छे कलाकारों को, ईमानदार कलाकारों को अपना सपोर्ट दीजिए, और जैसे सरकार बनती है हमारी, मेरा पूरा जोर यही रहेगा कि इस वर्ग को पूरा मान सम्मान इज्जत मिले। चलिए अंत में अपने पलवल क्षेत्र की जनता को कुछ आप अपील करना चाहें, कुछ उनसे कहना चाहें। देखिए पलवल का माहौल सब लोग ने देखा है पिछले 30 सालों में कि कैसा माहौल रहा, तो चैन की नींद सुख से दिन को निकालना चाहते हैं तो बदलाव करना जरूरी है, क्योंकि गुंडागर्दी पलवल में बहुत बढ़ चुकी थी, कंट्रोल किया गया फिर बढ़ गई, कंट्रोल किया गया फिर बढ़ गई। गुंडों को शह देने वाले कौन है? हमारे पुराने नेता ही हो सकते। जी जी, मैं डायरेक्ट जो कहूँगा कि ये है कि ये है, पर नेताओं के बिना शहर में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस भी उनके मार मानेगी, प्रशासन उनके बात मानेगी। तो पलवल की जनता से मेरा यही है कि शहर को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो बदलाव जरूरी है। बिल्कुल सही कहा अभिषेक ने कि अगर शहर को अच्छा बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, तो बदलाव लाना जरूरी है। आपने और भी नेताओं को, राजनेताओं को अपने क्षेत्र में विधायक बनते देखा, आपकी बार देखिए इनेलो बसपा से आप प्रत्याशी हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपके शहर के लिए बदलाव जरूरी है तो फिर एक नए चेहरे को भी लाना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।